महाराष्ट्र के कोलसेवाड़ी पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान देसी कट्टे और 3 जिंदा कारतूस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से यह बंदूक चुनाव से पहले किस इरादे से यहां लाई गई थी और कितने हथियार महाराष्ट्र में लाए गए हैं, इसकी जांच कोलसेवाड़ी पुलिस कर रही है। एक तरफ देश में जहाँ सबसे बड़े चुनाव का मौसम है, वहीं चुनाव में खड़े उम्मीदवार और उनके कार्यकर्ता जीत हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपराधिक गतिविधियां भी बड़े पैमाने में बढ़ रही हैं, जिनसे निपटने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी तरह कल कोलसेवाड़े पुलिस की पेट्रोलिंग टीम शहर में गश्त लगा रही थी, तभी खबरी द्वारा मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने विठलवाड़ी स्थित कमला देवी कॉलेज खेड़े गोलवली के पास 2 संदिग्धों को छानबीन की। छानबीन में पुलिस ने उन युवकों के पास से 1 देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। पकड़े गए आरोपियों के नाम अकबर गुलाम मुस्तफा और शेर अली अहमद शेख है। जांच पड़ताल में अपराधियों ने पुलिस को जानकारी दी कि यह देसी कट्टा और कारतूस पश्चिम बंगाल के कोलकाता से लाया गया है। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि अकबर और शेर अली किस मकसद से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस लेकर शहर में आए थे। हथियार बेचने के इरादे से लाए गए थे क्या, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए लाए गए थे। वहीं चुनावी मौसम में इस तरह की घटना से शहरवासियों में चिंता का वातावरण भी देखा जा रहा है। जो अभी आचार संहिता जो चल रही हो उसके दरमियान हम नाकाबंदी कर रहे थे, और जो मोटरसाइकिल पर आने वाले जो नौजवान युवक है, जो भारी मात्रा में फास्ट गाड़ी चलाते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई कर रही थी। उसके दरमियान हमने एक डाउट आया था, तो उसका हमने आंख झपकी लिया। फिर आंख झपकी थी, इसमें एक तमंचा और 3 जिंदा कारतूस फिरा। तो अभी को क्यों उन्होंने क्यों लाया था, उसका मकसद क्या था, अभी चौकसी की तरफ सब पता चलेगा। क्या इन युवकों के नाम क्या है और ये कोई इनका रिकॉर्ड क्या है? युवकों का तो रिकॉर्ड नहीं है हमारे पुलिस में, लेकिन आजू बाजू के जो पुलिस में है तो वहाँ हम तो सबको रिपोर्ट भेजा है, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। बेटा एक जो है वो शेर अली अकबर शेख है और एक अकबर मुस्तफा है, दोनों भी शांति नगर उल्लास नगर की रहने वाले हैं। एक्चुअली में कहाँ से लोग ने देखे हैं? ये तो कलकत्ता से निकले, पश्चिम बंगाल से।